अब बहुत हो गया, इतना आपका दाना पानी दिखा था, इतना ही उनका हमने दिया है, कोई मुझे गद्दार नहीं कह सकते। मैंने लास्ट जब तक अगर किसी का फोन भी हमारे पास आ जाता तब भी अब बात मान ली, किसी का फोन भी नहीं कर सकता। अब शायद हमें ज़रूरत है विचारधारा राष्ट्र का सब। हमारे लोग केवल इटावा में क्या था, जमीन पर कब्जा, इस पर कब इसी तक परेशान थे, वो सब पूरा समाज आदमी जनता पार्टी आज कोई नहीं, कहीं जमीन पर कब्जा नहीं। ये लोग विचारधारा थी, हम लोग उनकी लड़ाई लड़ते थे, उनके आप और कोई दल ऐसा है नहीं जो आप केवल भारतीय जनता पार्टी, वहाँ हमारे लोग हमारे समाज के बड़े, हमारे योगी जी हमारे मित्र हैं, वो हमें सम्मान देने का काम कर रहे हैं, तो हम समझते हैं उसी परिवार में यहाँ जहाँ सम्मान है। अच्छा ये सीधी सी बात है, आपके राजनीतिक गुरु शिवपाल सिंह यादव, उन्होंने तो अपना नेता अखिलेश यादव को मान लिया, उनको अकेली एक सीट दी गई, इसके बावजूद भी आपको अखिलेश की तरफ से सम्मान नहीं मिला या आपके ही नेता की तरफ से नहीं मिला? नेता ने जितना प्रयास करने का था उन्हें हम कुछ नहीं कह सकते, जब वो अकेले हो ही रहे उनका ही सम्मान नहीं, मुलायम सिंह का सम्मान नहीं तो हमारा वहाँ का सम्मान बताइए, वो तो परिवार का मामला था। अब हम और परिवार को जब उनको सम्मान नहीं, मुलायम सिंह को सम्मान तो हम जैसे लोग समाजवादी पार्टी में वफादार ईमानदार जरूरत नहीं है। कितने और ऐसे लोग हैं अभी भी जो आने के लिए बैठे हैं, जिनको भीतर जा रहे हैं लोग, आप देख रहे हैं बेरिया जी चले गए, शारदा प्रसाद शुक्ला चले गए। इटावा से प्रगति सिंह समाजवादी पार्टी के ऐसे कौन से नेता, क्योंकि सुनील यादव ने भी जिलाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सुनील यादव अलग विचारधारा, मैंने किसी पर दबाव नहीं था, हमने किसी से कहा भाई जो लोग स्वेच्छा से हमारे साथ आना चाहते, नेता छोड़ के जनता तुम्हारे साथ, हर गांव में हर उसमें मोहल्ले में हमारे लोग, भाजपा अपने आप सड़कों पर निकला है। समाजवादी लोग कह रहे हैं कि सर्वे साहब को टिकट मिल गया है, उनकी बनती नहीं इसलिए इसे टिकट ना मिलने का तो हर की हर विचारधारा होती है भाई। राजनीति कर रहे तो राजनीति किस लिए आदमी कर रहा, तो हम राजनीति कर रहे तो राजनीति के लिए तो कर नहीं रहे थे, दुश्मनी क्या थी? राम सिंह साकरे हमेशा हमारा विरोध करने के लिए, पहला चुनाव लड़ा तब भी विरोध किया, दूसरा लड़ा तब भी विरोध किया, लोग विधानसभा लड़ा तब भी उन्हें विरोध करने का काम किया, तो उन्होंने जितना जो उन्होंने बोने का काम किया परंपरा तो उन्होंने डाली, हम भी उसी समाज के लड़ रहे थे, विधानसभा में विरोध किया, पत्नी हमारी जिला पंचायत ली उसमें भी उन्होंने विरोध करने का काम किया, तो उस परंपरा को काटने की जो रोया वो काटने का बहुत काम कर रहे हैं, वो हमारे लोग थे, कोई ऐसे तो है ना, हमारे लोग विचारधारा के लोग हमारे साथ रहेंगे, उनकी विचारधारा के साथ उनके रहेंगे, समाजवादी लोग समाजवादी के साथ, हमारे विचारधारा के लोग हैं हमें जो पसंद करते हैं वो हमारे साथ रहेंगे। क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी माना जाए कि संगठन खत्म हो गया? कैसे खत्म हो गया? अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह, लेकिन वो तो एक सीट से लड़ रहे, बात बाकी सबको अभी मैं नहीं कह अनाथ कर दिया ऐसा कहा जा रहा है। मैंने कहा हमारे राजनीतिक इतना नहीं कर सकते, नहीं नहीं उनकी अपना सम्मान भी नहीं है वहाँ, अब वो नेता है, बड़े नेता हैं, हम अपना बोरिया बस्तर लेके भारतीय जनता पार्टी में आ गए, अब भारतीय जनता पार्टी मजबूत करने का काम। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं बने तो क्या वो भी आपकी तरह से आपके पास आएंगे? किसी पर कोई कटाक्ष नहीं कर, मेरी विचारधारा अलग है, मैं कभी किसी पर कटाक्ष नहीं कर, वो विचारधाराओं ने की है, माननीय प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री हम कैसे कटाक्ष कर, हमारी विचारधारा है, हमें जहाँ विचारधारा मुझे लगी उसमें जाने का, हम नई पारी स्टार्ट कर रहे हैं, नई पारी स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या माना जाएगी, कटाक्ष मत करिए लेकिन अब चुनाव है, सीटें तो बता दीजिए भाजपा कितनी है? भाजपा सपा की बहुमत से 300 पार कर 300 प्लस सीटें जीती, और सपा की अब 300 प्लस। आपका अनुमान क्या है? मैंने कहा मेरी भारतीय जनता पार्टी परिवार में समाजवादी जनता पार्टी आपकी तरफ से ये मान लिया जाए कई जनपदों में प्रभाव पड़ने वाला है, आपको कौन सी बात कोई चिंता है? कोई जिला नहीं है, कोई ऐसी जगह जो हमारे